अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। अगर साल में 15 से 20 फिल्में बनेंगी तो फिल्म इंडस्ट्री हकीकत में इंडस्ट्री कैसे बनेगी? ये वो शोबा है जो हमेशा से संजीदा इकदाम से महरूम रहा है। सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री क्या तब तरक्की करेगी जब कोई एक्टर वज़ीर आज़म बनेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर ऐसा होता तो जागीरदारों की हकूमत में ज़मींदारों का इस्तेहसाल ना होता, सरमायाकारों की हकूमत में सनतें तबाह ना होती और खिलाड़ी की हकूमत में खेल जवाल पजीर ना होते। फिल्म बारबी ने जितना बिजनेस किया है, अगर हमारे यहाँ साल में दो चार ऐसी फिल्में बन जाएं तो सोचें कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो टिकट की कीमत भी IMF तय करता है। फिल्म बारबी पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठाए गए हैं और इन्हीं एतराज़ात के पेश नज़र हमारे एक फिल्म मेकर भी फिल्म बनाने पर तबाज़माई कर रहे हैं ताकि हॉलीवुड को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आइए लोकेशन पे चलते हैं। बेटे ऑडिशन सारे अखबार इश्तहार देता है? सर अखबार में इश्तहार भी दे दिया है और सारे ऑडिशन माशाल्लाह डे बाय डे चलते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हेलो हेलो, एक मिनट छोड़ दे, कर दे गल, इतने मसला बने हैं, पूरी कास्ट करनी है। आप कितने एरोगेंट हैं, आपको मैनर्स नहीं है? नहीं, मैं इतना तो एरोगेंट नहीं हूँ। अपना काम करिए पहले, वो देख लीजिए, ये थोड़े ना बहस कर लवा पहले, ये दसो मैनू अपना ब्लड प्रेशर हाई करें सर। करोड़ों का बजट है तो मैं हूँ थोड़े फिक्की जी बहस शुरू कर दें। करोड़ों डॉलर्स का? करोड़ों डॉलर आएंगे। आप कितने लगाएंगे? ये तो दसांगे। ऐसा प्रोड्यूसर आया अपने को यूके का, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खप आई सी बारबी ने करता वो करता। लो जी फिल्म असी शुरू की थी ना, अल्लाह की रहमान रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस वर्ल्ड वाइज करेगी। वर्ल्ड वाइज नहीं, वर्ल्ड वाइड, जैसे आपका मुंह वाइड है तरह की आपकी अंग्रेजी है ना, फिल्म भी ऐसे ही वर्ल्ड वाइड चलेगी। वर्ल्ड वाइड का हूं नहीं पता लगे ना, थोड़ी तो फिल्म पत्तो कोई तो अगे नहीं सी गई वो तौर तो भी नहीं पता होता कि फिल्म बार भी लगती है। मेरी किस फिल्म की बात कर रहे हैं आप? आपकी हर फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग कौन सा तीर मारने लगे जरा मुझे बताएं। जी ए फिल्म से शुरू की थी गी। अच्छा जी, बारबी दी चूड़ियां। बारबी तो चूड़ियां पहनती ही नहीं है। और की बारबी ने गंडासा फड़िया है, जिद्दे इना रौला पैना, एक टके दी फिल्म नहीं है, उहदे 900 मिस्टेकां ने। ए फिल्म जिहड़ी मैं बनावांगा ना, ये दुनिया वेखेगी। ओ इतनी भड़के मार रहे, महज 2 हफ्तों में बारबी ने $1 बिलियन का बिजनेस किया है और हम यहाँ पे महज $3 बिलियन के लिए IMF को सारा कुछ गिरवी रख दिया है। क्यों बना रहे फिल्म? क्यों बना रहे? गिरवी कोई चीज ना पड़े साडे पाकिस्तान दी। वाह, ये दर्द है इस मुल्क का डायरेक्टर साहब के दिल में। इस फिल्म का जो बिजनेस होना है हाफ जो है ना गवर्नमेंट को देना है ताकि वो किसी कर्जे ना लैन, बाहर सानू इंज ना करना पवे। कभी शक्ल देखी आईने में अपनी? नहीं, आईना छोटा है हमारे पास। ओहो, आईना सिर्फ शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, आईना जमीर का भी होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी हम आईना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्यों आईना सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करूं? एक मिनट छोड़ दे। अच्छा ये दसो जी सर, बेटा बुला लिया कोई ना की ऑडिशन ली? सर बच्चे ऑडिशन के लिए भी लोग आ गए हैं और प्रोड्यूसर साहब भी आ गए हुए हैं। प्रोड्यूसर साहब आ गए ना? जी उन्हें बुलाओ ताकि मैं अभी जाता हूँ, अभी बुला के लाता हूँ सर। जल्दी पुत्र ड्रामे तो जाना। माशाल्लाह क्या बात है आपकी सर, आइए ना बैठिए। धूप पर खड़ा कर दिया तुमने मेरा हेलीकॉप्टर। प्लीज सर बैठे। हाँ शुक्रिया। ये प्रोड्यूसर है आपकी फिल्म के? हाँ जी, जकई साहब यूके में होते हैं। बिजनेस टाइकून है ये? जी, जो पैसा लग रहा है बिल्कुल, कहते हैं कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, पैसे ही थोड़नी है। कितने को पैसे लगा रहे इन्हां दी फिल्म दा? बजटेगा 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़? हाँ जी 50 करोड़। और हॉलीवुड दे भी एक्टर लेने, पाकिस्तानी एक्टर भी, एक को प्रोडक्शन है। ये पाकिस्तानी एक्टर्स की हद तक तो ठीक है, हॉलीवुड के एक्टर्स तो 50 करोड़ में नहीं आने वाले। मैं पता ज्यादा लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि असं पाकिस्तानी इंडस्ट्री ना अपने मुकाम से ले आना चाहते हैं। आडा हाथ होना चाहिए, आर्टिस्ट बड़ा नरम दिल होता है, तुम्हें की पता इस चीज़ का? बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ खाना पीना दसो। मैंने जूस नहीं पीना, मुझे कैरमल लाटे मंगवा दे। माशाल्लाह लाटे, कैरमल आपकी लाटे भी बहुत अच्छी लग रही है। अपना कैरमल लाटे है ना पुत्र? अच्छा नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं, कोई और जूस चले फिर अपनी मर्जी से आप मंगवा लें, जो मंगवाना आपने। पुत्र लपेटा बर्गर ले आओ। अच्छा ये बताइए कि फिल्म कहाँ तक पहुंची है, स्क्रिप्ट तैयार हो गया है सारा? स्क्रिप्ट को सारा मुकम्मल तैयार है, जब तक थोड़ा प्लाट तैयार नहीं होगा मकान नहीं बनेगा। जी वड्डे कह गए ने, मैंने कहा फिल्म जड़ी साड़ी कागजों के विच मुकम्मल हैगी। जी जी, हम सिर्फ कास्टिंग शुरू होनी है, शूटिंग शुरू होनी। स्क्रिप्ट रेडी है तो अब किस चीज का इंतजार है? करेक्टरों की ऑडिशन। बट साहब जरा जल्दी करें, मैंने वापस भी जाना है फिर। टेंशन ना लो, थोड़े सन बस सिर्फ कास्ट करनी है, बाकी अल्लाह खैर सलाह। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बेटे फिल्म में कोई बैरी जहाज का भी रोल है? बच्चा क्यों बुलाया? क्या हो गया? मेरी बारबी
ओहो, अच्छा बार्बी के ऑडिशन के लिए आया है। जी, बेबी डॉल सोने दी। ओ, बेबी डॉल में सोने दी, नाल बेबी टोल में सोने दी। आप इधर आ बैठो तुसी। ओके। ऑडिशन हो रहे हैं। सिट डाउन प्लीज। पहले कोई फिल्म में काम किया है? बड़ा किया बेबी डॉल ने। सुन देना, तू तो फिल्म में भी किया होना, तू घर में भी किया होना। ठीक है, उन मैंने पूछ लेने दे पुत्र। हां जी जनाब, पहले किसी फिल्म में काम किया है? बहुत सी फिल्मों में काम किया है। अच्छा जी, ये जो रोल है ना अपना बेबी, ये बड़ा जो ना फिल्म दी जान रोल है। ये समझ लो कि टाइटल रे। तुम्हारे तो चार गाने ने बारबी जी। ठीक है, लेकिन गल ये है कि असी ऑडिशन होरना दे भी लेने ने। हां ठीक है, ऑडिशन लो। अच्छा आप जरा चल के दिखाएं। ओके ओके। हेलो, मेरी बात यार आपको नहीं कह रहा भाई मैं। ओ, किसे सस्ते इलाके दे ट्रांसजेंडर। क्या हुआ इतने? तू आराम ना बैठना है, उन्होंने देगा। अच्छा उनका ऑडिशन। हाँ जी ऑडिशन, चल के आए। थोड़ी वॉक कीजिए, लाइट्स कैमरा एक्शन, ध्यान से बेबी छाले ना पड़ जाए पाँव में। ठहर जाए छाले, दोबारा जाए जी, वापस दोबारा जाए प्लीज। आप इस बच्ची की क्या लगते हैं? मैं इनका मामू लगता हूँ। मैं तेन किन्नी बार कहा कि जिड़ी कास करनी कुड़ियों की, ना उन्हें मावा ना लान, ना मामा ना चाचा ना ताया, इन्ना खर्चा कुड़ियों का नहीं होंगे जिन्ना इन्हों का होंगे। दोबारा आए, दोबारा स्टार्ट सन कैमरा एक्शन। रुके रुके, ओके लेना दे। हाँ कैन, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती रही कैन, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। कैन तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। हाँ, अच्छा कैन जरा तेरे सामने नहीं आ गया किधर कहाँ थे? ठीक है जरा पावर नाल बोलो जी कैन। ओके तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें तलाश करती रही। बट साहब मैं तो कह रहा हूँ ये बारबी वाला आप ही कर ले। ओहो सर, लेडीज चाहिए थी। अच्छा अजीब लगेगा, बारबी इतनी मुंह वाली होती नहीं। अच्छा मामू भी इतने हुजूम वाला नहीं होता, चुप करके बैठ जाओ। इसी से आधे ही काफी स्वेसिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्वेसिंग। एसी ऑन कीजिए, मेरे मामू को गर्मी लग रही है। अच्छा जी एक मिनट ठहरे, अपना पढ़ी लिखी तोती होती है, जो डायलॉग बोला है वो बोलो। कैन सामने आएगा तो सही से एक्सप्रेशंस आएंगे ना। बेटा कैन ओ ठहर जाओ ड्रामे तू बैठ जी। ऐसे ये समझो कैन, आप समझे कि मैं कैन हूँ। ये कैन का टूर पैन बहुत ही लग रही है। जी आइए एक्शन। कैन तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी यार। नहीं सर नहीं, आप बैठे मामे ने गोली मार दे। हमें नहीं करनी ये फिल्म। अच्छा आओ बीबी मेरे साथ। बदतमीज सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं माफी चाहता हूँ। साढ़े तीन मानता मामा होता ही नहीं। बाबा यार कोई बात नहीं, दूसरे आ जाएं। बट साहब वो लुबेटा कहाँ रह गया? मेरी बात सुने ना, इस बेचारे के पैसे जाया करे, ये मेरा ख्याल है। ये आपसे पहले ऑडिशन तो बंद कर दी सारा कुछ। बाहर एक्टर की लाइन लगी पई है, ऑडिशन होंगे ने, मैंने दसो कि जगह ऑडिशन नहीं होंगे। जब पहली फिल्म साइन की थी आपने तो हसन अस्करी साहब ने आपको ऑडिशन ही लिया था? हाँ लिया था। दूसरी जोड़ी केड़ी है कि पुत्र? आए सितारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं? बच्चियां ने भी रोल है। मैं बच्चा नहीं हूँ। ओहो ये तो आपने विधवा बालन को कर लिया है। नहीं नहीं, और तो हम क्या नाम है? विधवा बालन। सितारा है ये, आए इधर बैठे, इधर आए सितारा। नबीनी आप बैठे, इनको किन दस अन्य तक इधर है, इन दस ना बारबी दा है सर, बताया है उनको, वो पता नहीं क्या सोच के आ गई हैं। ये बट साहब मेरे दिल को भागी फिल्म पैकअप करें और मेरी शादी करवाएं। इस करेक्टर की ऑडिशन देना पड़ेगा सितारा जी। उन सितारा दा भी ऑडिशन होएगा? वो ऐसे ही सितारा दा भी होएगा, सितारा दे प्यो दा भी ऑडिशन होएगा। हाँ। सितारा जी आप आइए प्लीज, मार्क पे आइए अपने। आप इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही है? पता नहीं ये फिल्म पता 1.5 से 2 घंटे की होगी। सितारा जी ये ना थोड़ा तो क्विक होना पड़ना है। आपके करेक्टर का नाम है बारबी। हाय मेरा तो बचपन तो ख्वाब सी बारबी बनन दा। पर देखे ना आप बड़ी हुई थोड़ी सी, आपका सपना हम पूरा करने लगे हैं। फर्ज करें कि मैं कैन हूँ जो हीरो है। ठीक है बेटा आप पीछे जाएं, आप करवाएं, क्योंकि कैन वो ये लगता कैन। नहीं प्रोड्यूसर साहब मैं कहा, आपको सिर्फ वैसे ना एक डमी डमी ठीक है। आप इनके मैनेजर हैं? सिर्फ मैनेजर नहीं, इनका कुक, इनका कपड़े धोने वाला, इनका सामान लेके आना। खामन भी हो गया ना, खामन भी हो गया। नहीं, 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 नहीं। सारे काम तो करता मैं घर दे विच, मतलब खामन को हटा के समझ ले सब कुछ मैं ही हूँ इनका। अच्छा आए जी आप, लाइन आपको बता दूं? हाँ जी जी, लाइन आपने आके बोलनी है कि कैन ये आप फ्रेम इन हुई। कैन देखो कितना अच्छा मौसम, बारिश भी होने वाली, और तुम अब आए हो इतने में बिजली कड़केगी और आप कैन के पास ऐसे करके जी। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ओए मेरे दिल में तितलियां चल रही हैं। कट करो जी, पहले काट ले टिंडियां, तितलियां भी काट ले, मगरमच्छ भी काट ले दे। वो ये कह रही है कि वो एक्साइटेड है बारबी का पार्ट बनने के लिए। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन।
हाय मेरे पेट में हम दर्द हो रही है। बेटा डॉक्टर सुलेमान नहीं जी सर ये तो पहले चेकअप करा के लिया अगर ये हीरोइन हुई ना तो मेरे ख्याल 24 घंटे की सानू फिल्म कटनी पैनी बिचों अच्छा टाइम अब हमारे पे इतना नहीं तितली को पेट में ही रखना है फिलहाल आप ओके आए आपके कहने पे नहीं होगा तारा जी जी चलें जिमी जी आप क्यों देंगे मुझे क्यों व्हाट अच्छा मतलब फिल्म की शूटिंग पे भी जिमी जी साथ होंगे जिमी जी जब नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं करती जिमी जी आप जिमी भी कट ये भी कट सितारा जी जी टेक 1 केन वेरी गुड केन मौसम बहुत प्यारा है वेरी गुड बारिश होने को है बादल गरजने को है और बिजली चमकने को है कट करें जी कट करें डूसा साहब ये देखें हकीकत का रंग दिया है सितारा जी ने ओए आधा बूट में तुम्हारे मुंह पर मारूंगा ये कौन सी हीरवल लेकर आए हो तुम सितारा जी, जी अब मैं ये कहता हूँ ये फिल्म हमने नहीं करनी आए मेरे साथ ओए ओए चले तेरे का बंदा डड्डू तो बह के ना तालाब पार कर जाता है तू ले गया ये हीरवन है की अन्नी ने बचा जाके इनू चेक करवा किधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ये ऑफिस वाला माय फुट सितारा जी हाथ थामिए पहले आप डेढ़ फुट दी तो माय फुट मूवी बनाने वाले मैं तो लगता दोनों घरों का उड़े ने मुझे तो लग रहा है मुश्किल है आपको बार भी मिले चले सर कोई बात नहीं जेडी कास की थी है ना हाँ उन्हें तो बुलाओ ना यहाँ पे तेरे को आके आटो करा देना देख रहा मांगा तस्वीर भी बनवा मांगा सर ये सर कैन सर हाय सर हाउ आर यू फाइन हेलो कैन हेलो होटल दे विच माहौल ठीक रहा है हाँ बहुत अच्छा होटल अच्छा जी वेरी गुड ना गैस ही ना पानी आंदा सी ना बिजली आंदी उथे पर जो तुसी कहे सी उथे आन ही नहीं दिता मेहरबानी ना बहुत अच्छा होटल राइन पॉइंट गड्डी तो टाइम सिर पे कर ले सी गड्डी ने वेरी गुड बट साहब गड्डी बहुत अच्छी भेजी तुसी किसे ने रस्ते ही रोके ही नहीं क्यों जी वो कुकड़ियां वाली गड्डी सी ओदी छत बह गया अच्छा वो असल ते मेरा नाल मुर्गियां दा कारोबार भी है ना हां जी मैं ड्राइवर नु कहया तुमने ये फिल्म बंद नहीं करनी तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे भेज दो तुम्हारे अकाउंट में सर मैं नाल ना तेरे को लेंदा रहंगा बारबी आ गई है बारबी जी बारबी आ गई बारबी गॉड माय गॉड आ जाइए इधर आ जाइए बारबी इधर आ जाइए आप मागे इधर आइए आप ये है मार्गो रॉबी ये होता है हुसन ये एक दूसरे को प्यार भी करते हॉलीवुड के वो दोस्त सारे ने जिन्हों का इस टाइम उ हर अखबार चर्चा है एक गल दसो ईमानदारी ना दसला जी जी इश्क कदों शुरू होया पहली बारी कदों रोना ना रोना ना बस व्हाट्सएप की तुहानू दसा रहन दियो व्हाट्सएप ने पूछा दसना तो चाहिए ना अब बताइए बताइए रहन दियो व्हाट्सएप एक दिन मैं रोड दे उते खलोता सा अच्छा जी ठंडी ठंडी हवा चल रही सी हल्का हल्का बदल आया मैं लौंग वेखिया अच्छा जी फ्रेम दे विच इक कूड़े वाली गड्डी एंटर होई आई जा रही है मेरे अलाई जा रही है मेरे को आके उते स्पीड ब्रेकर बनया सी अच्छा जी ओदे उतो आहिस्ता जी नंगी है आया है मैं इंज करके वेखिया कुड़े वाली गड्डी दे पीछे कुंडे दे नाल ही लमके सन वाओ इन्होंने इंज करके बाल सुटे ने ओए होए उते मैं मर गया जनाब इस साल दो ब्लॉकबस्टर्स रिलीज हुई हैं ओपनहाइमर एंड बारबी बारबी से तो उन्होंने दिल इकट्ठा कर दिया ओपनहाइमर ही रह गई अब बस असल ते ए दोवें मिक्स कर रहे सी ओपनहाइमर एक अमेरिकी साइंसदान के ऊपर बनी हुई है वही ना वो धमाके के बाद तो बारबी ऐसी हुई थी ये है फिल्म की कहानी ते तुम बट दसेगा कि मिक्स किने कीती है कि वो धमाका होया है धमाके दे विच ना बिल्डिंगा डिगियां ने ते एक जगह तो हाथ बार आया है क्यों इंज करके ते इंज करके हीरो ने देखा हीरो ने कहा कोई चीज हैगी हीरो ने हाथ नूं इंज करके फड़िया बाहर कढ़िया ते बारबी बाहर आई बारबी का हाथ यूं नहीं था उस बारबी का हाथ यूं बाहर निकला हुआ था ऐसे इलाके पहला एक गंदा नाला लंघदा मैं गंदे नाले ते बैठा रहा 3 घंटे कुछ नहीं मैं इत्थे भी नहीं लभनी मैं फिर सड़क ते आया
एक सोहनी जी गड्डी आई है। एक मिनट, तुहाडी मोहब्बत मैनूं इन्नी बहु आण लग पई है जी। लेकिन गल है की हाँ जी, कि इस फिल्म दे जी कुछ सीन कराए जाणगे तुहानूं, और इस फिल्म दा मेन विलन हाँ, जे तुसीं कह रहे हो ना मिक्स किवें होएगी हाँ, उस एक्टर नूं वेखोगे बाग बाग हो जाओगे। अब कौन सा शौक देने लगे मुझे? और एक मिनट आप देखिए, किलियन मर्फी आ जाए। ये है हमारे किलियन मर्फी, ओपनहाइमर। ओपन ग्रेट रॉबर्ट ओपनहाइमर। ये वो बंदा जिन्हें बम मारे सी अपने भरा की शादी से हैं, पहले उड़ लगी सी ना, इन्हें कहा मेरी क्यों नहीं करन दिया। ओपनहाइमर तो उस अमरीकी साइंसदान की फिल्म है जिसकी वजह से हिरोशिमा में तबाही हुई थी। हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला बॉम्ब इसी साइंसदान का फॉर्मूला था। ये जिहड़ा इन्हें बम बनाया सी ना, वह हिरोशिमा ते डिगया सी। हाँ जी, ये चाचे का ना चीमा सी, उसकी कुड़ी ना भरा का विआह होने लगे। मैं टेंशन दे रहे हो, मैं पहले बहुत टेंशन चा। क्यों, क्या टॉम क्रूज मंग पता जी 1800 रुपया जित गया मेरे को। इन्ने औखे तुसी बोलन दा, तुसी वाशरूम दा चक्कर लाओ। टॉम क्रूज के साथ दोस्ती है आपकी? अजे तो मैं तुहानू पैन वाला प्रूफ दा नहीं दस्या यार, अजे तो मैं तुहानू अल पचीनो दा नहीं दस्या। अरे वाह वाह, अजे तो तुहानू मार्लन ब्रांडो दा नहीं दस्या। अजे तो तुहानू मैं ग्रेगरी पैक दा नहीं दस्या। क्या बात है, मैं की दसा। अजे तो उन्होंने तुहानू स्लिम पंछी दा नहीं दस्या। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਅਰਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ? ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸੀਨ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਰਬੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਪੁਰਾਣੇ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਮ ਖਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਦਾ ਬਾਰਬੀ ਕਿਉਂ ਦੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਜੇ। ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਬਾਰਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਗ ਖੁੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹੈਲੋ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਮਸਤੀ ਐਂਡ ਸੀ ਯੂ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ, ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਮੀਰੀਆਂ ਲੱਟੀ ਕੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਸਤੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਬਰਸੋਂ ਮੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਹੈ ਭਿਕਾਰੀ। भिकारियों की तादाद इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि अब तो अहम मनसूबों पर फायज शख्सियात को भी वजाहत देनी पड़ती है कि मैं यहाँ मांगने नहीं आया। घर से निकलते साथ ही दो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती, एक आपका साया, दूसरे भिकारी। साया तो फिर शाम ढलने के बाद आपका साथ छोड़ जाता है, लेकिन भिकारी इतने वफादार होते हैं कि जब तक आप अपने घर के अंदर दाखिल ना हो जाएं, ये साथ नहीं छोड़ते। वैसे तो हुकूमत ने कई मरतबा मुहिम शुरू की है, लेकिन हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाए उसमें हमेशा इजाफा ही होता है। अब ये देखें ना, आबादी आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। भिखारियों की तादाद में इजाफा क्यों होता जा रहा है और इनका नेटवर्क किस तरह से काम करता है, आइए बात करते हैं भिखारियों और उनके ठेकेदार से। वेलकम टू मस्तियां। हेलो जी, बड़ी मेहरबानी मालिक साहब, तुसीं सानूं अपना शो दे विच बुलाया। कौन सद्दा जी? सारे मेरे जिन्ने कारीगर है, 3500 मेरा कारीगर है। कारीगर भीख मांगना कारीगरी है? असल मजदूर तो है ना, सब पेट मार के जनाब। जिन्नी मर्जी धुप होवे चौंक दे विचों परा नहीं हुंदा, जिन्नी मर्जी बारिश होवे ठंड होवे चौंक चो परा नहीं हुंदा। और किसे कोलो पैसे कढ़ाना कारीगर है सर? मेरे से नहीं निकलवा सकते आप। क्यों नहीं निकलवा सकते? मेरे बंदे बड़े कारीगर ने, सब पेट मार के। ओ की यार, इंजन खोल लेंदे ने कारीगर ने। आए कारीगर ते मैं तुहाडे सामने कह रहा, मेरी औलाद ने मैनू बच्चे आंगर प्यार रहे ने। अपनी औलाद है लेकिन जायदाद च इन्हां दा कोई हिस्सा नहीं। कैसी औलाद है जिनके हाथ पांव खुद तोड़ के चौक में बिठा देते? नहीं बैठ जी, 500 दा नोट तेरे को कढ़ावा। मैं एक रुपया भी नहीं दूंगी आपको। शर्त ला गई? नहीं दूंगी। तुहाडे कोलों कढ़ा के बखाए कैसे? अज मेरी बेइज्जती ना कराई, पठिया 500 लै। अल्लाह करके लेना बोलदी फंबल हो, अल्लाह करके तंदुआ आ जाए जनात में ते, अल्लाह करके बोल उतला पड़ा हो जाए तेरा। ए जाली फकीर ने, फकीर ते बदमावा देंदे ही नहीं। तो सुनो जेड़े खानदानी ने। ठेकेदार साहब तुसी हरन लगे हो? मैनू अपने बच्चियां ते मान है, सपेट मार के। ठेकेदार साहब सानू भी अपनी एंकर ते मान है। ਮੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੇਕਅਪ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਐਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਠੇਕਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਢਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਕਢਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ 5000 ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਸ਼ਾਪਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਲੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹੀ अच्छा भी तू अपनी ड्रेस डिजाइनर को सूट सुवावी तो वो तेरे 10 दे 10 मर्दाना सीध हाँ वो ऐसे करेगा तो पैसे भी वो देगा और नए सूट भी वो खरीद के देगा करके तू टिकटॉक बनावे और सारे खराब बनन पांच बच्चा अच्छा पेट मार के कढ़ा पैसा तुसी 5 लाख दे दो उन्हें नीचे देने एक रिक्वेस्ट है की ओके एक तुम कारीगर मैं देना चाहना जिंदगी चेंज होनी चाहिए तू एक कहना मैं इतों दो चूज किए हुए कौन कौन एक और जरा पीछे बैठा है एक अद्धा जिदा सिर नंगा आएगा पहचान वाला भाई मलक साहब दसो जोड़ी का लेना की जाए करोड़ लेना जे 1.5 करोड़ लेना कि 1.5 करोड़ हाँ जी नहीं असि कट के बेचना है खिलाफ वर्जी की जनाब कानून की आप बात कर रहे हैं कि कानून आप नहीं तोड़ रहे भीख मांगना इटसेल्फ इज अ क्राइम जुर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के आईन के मुताबिक तो कोई भीख मांगने वाला बच्चा भी पकड़ा जाए ना तो उस बच्चे के वालिदैन समेत 3 साल की सजा है उसे सालों भरना किन्ने हैगा जी जिन्हें भी थाने ने उन्हें सारे अनु राजी रखी था जनाब ते कुड़ी नहीं बोल रही थत्थी है कि नहीं जनाब है बड़ा अच्छा गाना गा के जुगनियां गा के माइया गा के पैसे का डाल वो तो फिर भी मेहनत करती है ना गाती है वो क्या करता मोटा सही होके बैठ तू मानो बिल्ली ही एंजो जाने जरा गा के दस है ना अपना टैलेंट जाज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जाज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जाज तो मैं तेरी ये गाना सुन के भी गड्डी वाला लंघ जाता है बात बताओ जिनी सुरीली है सारे गाँव पास जाना चाहिए ये वड्डे पा ना फिरन डी है तुम्हारी आवाज अच्छी तुमसे सिंगिंग करवाऊंगा तुम्हारी लाइफ बना सकता हूँ भाई तू पहले अपनी ते बना ले लाइफ मैं एक बात सोच रही हूँ और तुसे ता कुछ भी नहीं साडा सामने चंगा है पाला है बंदा सोचे पै जांदा ना दादी ने ज्यादा गोल गोपे खा देने जी आवाज हो जाती ये तो रात के टाइम घर जाता रोटी मांगता बच्चे सुते भी जाग जाता के पकाया दादा इतने सेहतमंद है आप लोग ये बेकार के काम करते हैं कोई मेहनत मजदूरी करें कोई हक हलाल कमाए है बड़ा औखा काम है बेबी मंगना दुनिया दा सब तो औखा काम वो कैसे ए देले साइकोलॉजी पढ़नी पैंदी है साइकोलॉजी वो अगले बंदे दी नफ्सियात नु पढ़ी दा समझी दा यार हमें साइकोलॉजी किसने पढ़ी हुई है आई एम बैचलर्स बिना तो हम सबसे मंगवा सकते हैं लेकिन साइकोलॉजी की किसी किताब में क्या भीख मांगने के तरीके भी हैं असि वोकेशनल इंस्टीट्यूट अपना रखे आ है मैं सुन शो छोड़ के जान लगा ओदे वेच इना नु तालीम दई दी है दसी दी है अच्छा क्या जेड़ा बंदे दा मुंह गुस्से वाला होवे ओदे कोला के मैं मांगना किवें मांगी एकदम मासूम होवे ओदे कोला के मैं मांगना इना नु पढ़ाई अलगदा कराई दी है फिर वीडियो बखाई दी आ गई है तो वीडियोस किसकी दिखाते हैं रैंडम लोगों की किसकी हां नहीं नहीं बड़े बड़े पैंट कोट पा के ओदियां ते पहुंच गए ने साडे स्टूडेंट IMF से पैसे मिलने में आपका भी हाथ है हाँ जी साडा भी हाथ है असी मोहब्बत वतन लोग है गए अच्छा किधर जेडी मीटिंग IMF ने हुई थोड़े कमरे च तो नहीं हुई IMF क्यों मने क्यों इन्हें सिर्फ कोई क्या है तुसी मन लिया के नहीं मन लिया तुसी सारे गोरे ने निवास सहन कर एक गड्डी वाले ने तो सानू जुतियां मारी हैं सिर्फ एक ने मैं अपने लो साडे दादा उस्ताद की नकल की थी ओ अच्छा मैं शीशा खड़का के क्या आई एम नॉट बैगर ऑलराइट उन्हें क्या साडे लीडर दी नकला लाना ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਇਹ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾ ਦਾ ਇਹ ਦੇ ਮੌਲਾ ਬਸ 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 5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਟਮਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਟਮਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ उर्दू में मांग के दिखाओ देखिए आप मुझे 500 रुपया दे दें मैं कोई मांगने वाला नहीं सराइकी में भी बड़ा अच्छा मांगते हैं सराइकी च मांग के महा तेनु मुल्तान सराइकी ते जो साडी एंकर मंगदी मांग के महा कुड़िया तू बोल के बखा जरा ठेकेदार साहब ओदे नाल सुरीली हैगी उकाशा गा गाना कोई
चले नासिर भाई, फिर मैं गाऊंगी, आप अंधे बने। ठीक है, जय जय सपेट मार कह जा रहा। कोठे उतो कावावे, उड कोठे उतो कावावे, साडे दिल दा परोड़ा कोई ना, तेनू चोरिया क्यों पावावे, हाए उड कोठे उतो कावावे। सद के जावा, तुहानू तीन तीन साल हो गए ने, इस तरह दा ना हले तक नहीं होया। वक्त हुआ है मस्तियां में एक ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देवदास, वेलकम बैक टू मस्तियां एवरीवन। और अब सुनेंगे हम गाना। एक मिनट, गाने से पहले शाजिब साहब, बहन भी साथ ही बैठे, अच्छे लगे। थैंक यू। खोल के क्यों नहीं बोल रहे, बीमार हो तुसी? तू नहरों पार बैठा है, तेनु आवाज नहीं आउन दी। हेलो जेंटलमैन, शो शुरू कर ले। मैडम माजरा, तो पर्सनल हो गया सी इस वास्ते। अच्छा शाजिब भाई, आपको ना माइक लगा हुआ है, ठीक है? तो आप जो बोलते हैं ना कि आपने ये बटन क्यों बंद किया है? लाला, इसको कहते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग। देखिए मुआशरा हमारा घुटन ज्यादा है, ये तो खुल के जिए, खोले इसको। ये जो आपकी तरह बटन खोल के बॉयज चाके गरीबा होके घूमते हैं ना, उन्हें मुहज्जब मुआशरे में आवारा कहा जाता है। नहीं जी, उन्हें कहा जाता है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। लो जी, परे परे हो जाओ, उर्दू का मुकाबला पै गया जी। मैडम है जाहिल बेवकूफ जा बंदे ने, इन्हें की समझ इन गल्लां दी। हां जी, आपने तो यूनिवर्सिटी की ईंटें रखी हुई हैं। अरे आपने भी तो नीचे ईंटें रखी हुई हैं। एहो जे बीमार को हर किस्म का फ्रूट पिया हुंदा, लेकिन इशारे ना कह रहा हुंदा। चुक लो, किदे को तुसी अमीर हो मामा, मैं वेखे है। कुकड़ उदो खांदे ने ईद होवे या परौणा आवे। नहीं, कुकड़ तब खाते हैं जब कुकड़ बीमार हो, या फिर तब खाते हैं जब ये बीमार हो। और ये जब बीमार, डॉक्टर की सिरिंज चौक के कह रहे हैं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और ये जब डॉक्टर नर्स का रोल भी कर लेता होंगे। ये जब बीमार सही होंगे, फिर भी व्हीलचेयर से झूठे लै रहे होंगे। माशाल्लाह, वो फ्रैंक तो परफॉर्म कर करके मरने वाला हो गया, वो देखे लाश बैठी पीछे। अच्छा, ये तीनों एक फ्रेम में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोऑर्डिनेशन करके किसी इवेंट पे आए, ऐसा। तीसरा केड़ा। और ये जो बीमार को सिर्फ डॉक्टर आए ना, तो ये कह रहे मैं नहीं बचना। अच्छा जी, अगर आपकी जुगतबाजी खत्म हो गई हो तो गाना सुने। वाओ माशाल्लाह, अखां नूं तस्मे पाए इनकी। भाई इसको स्मोकी आईज कहते हैं। अच्छा, स्मोकी आईज। लेकिन प्यारे लग रहे हो आज, यकीन मानो। वो भी को शुक्रिया भी किया करो, पत्थर हो गया नहीं मैंने देखी जा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सदाकत। सदाकत, हेलो। आमिर, हां थैंक यू। आज से खूबसूरत गुड़िया लग रहे हो। वो भी चैना दी, इधर लक चू मुक्का मारो, आप ही इंजन कर रहा। वो काशा खामोश क्यों हो और खुश भी हो? वीना, वो कहते हैं ना कि बेवकूफों की महफिल में खामोशी हजार नेमत। वाह, उमैरा अहमद, आजकल नॉवल पढ़ रही हो या खा रही हो? कैसे हो काशा, मैं तुमसे इत्तेफाक करती हूं। फारिया, आप तो कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक करती हो काशा से। अरे हो जा बीमार, कान वाला ड्रॉप अक छुपा लंदा हुंदा। और ऐसा बंदा खुद ही जोक करके खुद ही हंस लेता है। आप ना अपने पास नीचे एक पिस्तौल रखें, जितना आप गुस्सा है ना इस फ्लैंक के साथ, आप कभी गोली मार दें। I wish, मगर गोली जाया क्यों करूं? इन्हें एक बात बताऊं, अगर आपने इस फ्लैंक को खो दिया, बहुत पछताएंगे। हाँ, मैं पछताना चाहती हूँ। मैं कह रहे बाबे आए ने तड़ जूं। गोली दी केड़ी लोड़े थे ते कजले ने नेर पाया। ओहो, अखा विच कजला ढोलड़ा वे तेरे नादा, तेरी सौखानिया सोचा विच रहनिया, तेरी सौखानिया सोचा विच रहनिया, पढ़निया कलमा ढोलना वे तेरे नाला। ए तू जिन्ना फ्लैग ते बांध है ना, सोचा ची रांध है। क्या करूं सही, तू सब भखरी डोला है वे, मुल्तानी ढोला साकू बहु प्यारा लग दे। और छड़ दे ठर गलियां गल्ला। कोई बिजनेसमैन आया, उन भी देखो ये कौन आ गया। अल्लाह खैर करे। भाई कोई ते मलाई वाली भाई, ते कुल्फी खोए वाली हुंदी, कदी पत्थर वाली वेखी हूं। अफिया बेचना
ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਯੂ ਲਵ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਮਗਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣੇ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲੀਵ ਮਾਈ ਸੈੱਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੰਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਕੁਲਫੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭੰਡੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ 1400 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬਨ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਐਨਕਾਂ ਲਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਔਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਏ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਚਾਹੀਏ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੌਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਓਏ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਿਛ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਬ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮਦਰ ਘੇਲੇ ਵਰਗਾ ਬਾਂਦਰ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਹ ਧੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਕੀ ਛੇੜ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਕਮਾਦ 'ਚ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖ ਹਮਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਰਦੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਰੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਦੀ ਚਲੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਸ ਹੈ ਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਓਪੀ ਨੀਅਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੋ ਬੋਲ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਜ਼ਰਾਫੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਪਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼